तायबु, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। बताओ। तायबु, वो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। बेटा क्या बात? क्या इस घर में किसी चीज की कोई कमी? अगर कुछ चाहिए तो मुझसे कहो या नसरीन से कहो। अच्छा ऐसा कर लेते कि मैं तुम्हारे लिए महाना जेब खर्च मुकरर कर देता हूं ताकि तुम्हें किसी से मांगना ही ना पड़े। बात पैसों की नहीं है तायबू, मैं बस खुद से कुछ करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी पर बोझ बनूं। फातमा क्या बात, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं तायबू, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम्हारी ताईजान ने कोई बात की? तायबू ऐसी बात नहीं है, मैं बस खुद से जॉब करना चाहती हूँ। इस तरह से मुझे मसरूफियत भी मिल जाएगी और मेरा दिल भी बहल जाएगा। हो ना खुददार बाप की बेटी, तुम्हारे बाप ने भी कभी मुझसे मदद नहीं ली, हमेशा अपने बलबूते पे किया, जो भी किया, हालात जैसे भी थे। अगर मैंने किसी बहाने से उसकी मदद करना भी चाहिए तो उसने शुक्रिया अदा करके वापस कर दिया। ठीक है बेटा, तुम जो करना चाहती हो करो, मेरी तरफ से इजाजत। जज़ाकअल्लाह तायबु। वो तायबु, आप तायमी से मेरी जॉब के मुताल्लिक खुद बात कर लिएगा। अगर मैं उनसे कहूंगी तो शायद वो मुझे इजाजत ना दे। अच्छा तुम नसरीन की फिक्र ना करो, उसे मैं खुद समझा दूँ। जज़ाकअल्लाह तायबु, मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे नौकरी की इजाजत दे देंगे। बेटा जब मेरा भाई जिंदा था तो मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अब ज्यादा फिक्र रहती। अपना ख्याल रखा करो जी।